अगर हम ब्रॉडली देखेंगे तो एक बड़े रैली के बाद एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद एक शार्प रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। तो स्ट्रैटेजी ये रहेगी थोड़ा वेट किया जाए उसमें। कॉन्ट्रा बाय मैं अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बॉटम प्रोसेस अभी चालू हुआ नहीं है, या फिर ओवरऑल मार्केट अगर हम देखते हैं तो वो भी थोड़ा सा डाइसी है, तो बेटर वे वेट करना चाहिए। बट यस, ये स्टॉक ने पिछले इसमें अच्छा परफॉर्म किया है, बड़ा वीकनेस नहीं है। वीकली चार्ट, वीकली फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं तो मुझे अभी भी इंटैक्ट है बुलिश ट्रेंड। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये तीनों स्टॉक्स में बॉटम बनने का प्रोसेस जो रहेगा वो थोड़े दिन और चल सकता है। इसके लिए कॉन्ट्रा बेट्स अवॉइड करना चाहिए। अगर हम एनटीपीसी का देखें तो अराउंड 308 के आसपास 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज आता है, वहां पे अगर किसी को देखना है तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है।